गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जनरल साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए या फिर कहीं रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बहुत सारे जो क्वेश्चन करेंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे। तो सभी से मैं इतने कहूँगा कि भाई वीडियो को पूरा जो अटेंड करिएगा, अंत तक अटेंड करिएगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको हेल्प करें। ठीक है फ्रेंड, चलिए आ जाइए। इस वीडियो आ गई है आपके स्क्रीन पर, देखते हैं कौन कौन आंसर कमेंट करता है। चलिए आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है हमारे पास, ये रहा आपके पास, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्र क्या है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्र क्या है, चलिए आंसर दीजिएगा। फ्रेंड, देखिए कुछ क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे, लेकिन ये रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। देखते हैं आज कौन आंसर कमेंट करता है। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए भाई क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पर है। आंसर दीजिए क्या रहेगा, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्र क्या है, आंसर बताइए, कमेंट करिए भाई क्या रहेगा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए सभी लोग आंसर देंगे, कमेंट करेंगे भाई क्या रहेगा। ओके, एक दो मिनट मैं वेट करूंगा क्योंकि जो है हमारी वीडियो स्टार्ट होती है 1:30 बजे। तो फ्रेंड्स, आपसे मैं बोलूंगा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कमेंट करिए, चलिए आंसर दीजिएगा, कमेंट करिए क्या रहेगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आंसर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कैंडेला। ठीक है, क्या रहेगा, कैंडेला रहेगा, ऑप्शन ए ऑप्शन सी रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी हवाई जहाज से छोड़ा गया बम बीच हवा में फट जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए क्या रहेगा, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, इसकी कुल ऊर्जा बढ़ जाएगी, इसकी कुल ऊर्जा जो घट जाएगी या इसका संवेग घट जाएगा। चलिए बताइए फ्रेंड्स, इसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा। चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आंसर है ऑप्शन नंबर वन, इसकी गति ऊर्जा कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्रीम सेपरेटर में दूध से बसा किस कारण से अलग होती है। चलिए बताइएगा, जो क्रीम सेपरेटर है जिसमें आप क्रीम जो निकालते हैं लोग, जो जो दूध वाले रहते हैं वो लोग अगर जो है क्रीम निकाल लेते हैं दूध में से, तो आपको ये बताना है कि क्रीम जो है सेपरेटर से किस प्रकार अलग हो जाती है। चलेंगे, कमेंट करिए भाई क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, स्क्रीन पर आ गया है और आंसर दीजिए। सभी लोग कमेंट करेंगे भाई क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, आंसर बताइएगा। वीडियो हमारी स्टार्ट कर दी मैंने, कुछ क्वेश्चन जो रहेंगे इंपॉर्टेंट रहेंगे इसलिए रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, सभी लोग आंसर बताएंगे भाई क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग आंसर दीजिए, कमेंट करिए, यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये रहेगा अपकेंद्रीय बल। किसके कारण अपकेंद्रीय बल रहेगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रहता है बल रहता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ओके, बर्फ का द्रव्यमान क्या है। तो आंसर बताना है क्या है, चलिए आंसर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्या होगा, दाब घटने पर बढ़ता है, क्या होगा, दाब घटने पर क्या होगा, बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी एक्टिवता का जो खोज है वो किसने करी। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी, आंसर दीजिए, कमेंट करिए भाई क्या होगा। चलिए देखते हैं किस किसका आंसर आएगा, कमेंट करिए क्या होने वाला है इस क्वेश्चन आंसर। सभी लोग आंसर बताएंगे भाई क्या रहेगा, चलिए आंसर दीजिएगा, कमेंट करिए। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने करी, आंसर दीजिए, कमेंट करिए भाई क्या रहेगा। सभी लोग आंसर बताएंगे भाई क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर फाइव स्क्रीन पर है, देखते हैं कौन कौन आंसर कमेंट करेगा, चलिए आंसर दीजिएगा। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी वेकुलर। किसने करी भाई, हेनरी वेकुलर ने करी। ठीक है, और हेनरी वेकुलर को इस चीज़ के लिए और रेडियो एक्टिविता की खोज करने के लिए 1903 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलेंगे अगला क्वेश्चन, यदि कमरे के भीतर का तापमान बढ़ा दिया जाता है तो सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ओके, चलेंगे सभी लोग आंसर देंगे भाई क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आंसर दीजिए फ्रेंड, थोड़ा मैं वेट कर रहा हूँ इसलिए स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ भाई। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए, इतने स्टूडेंट आ गए हैं, सभी से बोलूँगा भाई जल्दी से आइए और वीडियो का क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसका आंसर दीजिएगा, सॉल्यूशन दीजिए क्या रहेगा। यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ये क्या होगा, घट जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, घट जाएगा। इसकी क्या होगी, आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी कैसी जाएगी, घट जाएगी। अगला क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर में बेस होता है, ट्रांजिस्टर में किस प्रकार का बेस होता है, आंसर दीजिए, कमेंट करिए भाई क्या रहेगा। ओके, चलिए आंसर देंगे, कमेंट करेंगे भाई क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, सभी लोग आंसर देंगे भाई क्या रहेगा। ओके, आंसर बताइए भाई क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, एक बाहरी अर्धचालक होगा, क्या एक भारी अर्धचालक होगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान में रातें जो होती हैं, रातों के मैदान की तुलना में अधिक ठंड होते हैं। ठीक है,
आपको बतानी है, रात जो रातें होती हैं वो ज़्यादा ठंडी रहती हैं, लेकिन दिन जो होते हैं वो गर्म रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? आंसर देना है, कमेंट करना भाई। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन, चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए। चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन का, सभी लोग बताएंगे भाई। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फ्रेंड्स, क्या रहेगा? ओके, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर वन। क्या रहेगा ऑप्शन नंबर वन? रहेगा रेत पृथ्वी की तुलना में ऊष्मा की विकिरण अधिक जल्दी से करता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये रहा आपके सामने। जब हम कोई ध्वनि सुनते हैं तो इसका स्रोत ज्ञात कर सकते हैं किस चीज से? चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए भाई, क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर नाइन? स्क्रीन पर आंसर दीजिए, कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर नाइन है, स्क्रीन पर आ गया भाई। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए, क्या होगा क्वेश्चन का आंसर? चलिए फ्रेंड्स आंसर कमेंट करिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन पर आंसर दीजिएगा, कमेंट करिए। आई थिंक फ्रेंड स्टूडेंट्स पे जो है नोटिफिकेशन शायद नहीं गया है, इसलिए स्टूडेंट्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, थोड़ा हम वेट करेंगे, स्टूडेंट्स को आने दीजिए। बिल्कुल, इस वीडियो को जो है जल्दी से आगे बढ़ाएंगे हम, ठीक है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या रहेगा ऑप्शन नंबर बी? रहेगा यानी कि ध्वनि में मौजूदा ओवरटोन के कारण, क्या रहता है? ध्वनि के मौजूदा ओवरटोन के कारण रहेगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन। एक लड़का समतल दर्पण के सामने 3 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है, लड़के और प्रतिबिंब के मध्य की दूरी क्या होगी? चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए भाई, क्या रहेगा? एक लड़का समतल दर्पण के सामने 3 मीटर दूरी पर खड़ा हुआ है, ठीक है? तो आपको ये बतानी है, लड़के और प्रतिबिंब के मध्य की दूरी क्या रहेगी? चलेंगे सभी आंसर बताएंगे भाई, क्या रहेगा इस क्वेश्चन आंसर? आंसर कमेंट करिए और देखते हैं किस किस आंसर पे पहले आएगा। चलिए आंसर दीजिएगा, कमेंट करिएगा भाई, क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर? चलिए फ्रेंड्स आंसर दीजिए, कमेंट करिए, क्या रहेगा? कोई आंसर कमेंट करेगा भाई, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए भाई, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? कमेंट करिए भाई। यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा यानी कि 6 मीटर। क्या रहेगा? 6 मीटर वो दूर खड़ा होगा प्रतिबिंब से। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। सूर्य से निरंतर ऊर्जा प्राप्त होना किस चीज़ का कारण है? किस कारण जो होती है सूर्य से निरंतर आपको ऊष्मा जो होती है, ऊर्जा जो होती है वो प्राप्त होती है? आंसर कमेंट करिए, क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर? सभी लोग आंसर देंगे भाई, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? चलिए कमेंट करिए और आंसर दीजिए, कमेंट करिए फ्रेंड, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? चलिए चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए। ओके आशीष जी, ओके ऑप्शन ए आ रहा है, वेरी गुड। एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा फ्रेंड? थोड़ा सा जो है हमारा वीडियो जो है 1:30 बजे आता है, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दिया, और सर मे बी कुछ लोगों के पास नोटिफिकेशन गया, कुछ के पास नहीं गया, लेकिन रहेगा ऑप्शन ए नाविकीय संलयन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, आशीष जी बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? चलिए बताइएगा, हाइड्रोजन बम जो होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है? चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए, क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर? चलिए सभी लोग आंसर बताएंगे भाई, क्या रहेगा इस क्वेश्चन आंसर? क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कमेंट करिए, क्या रहेगा? आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नाविकीय संलयन। अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा, ठीक है? ऑप्शन रहेगा बी, नाविकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, पृथ्वी के चुंबक का दक्षिण ध्रुव भौगोलिक किस भौगोलिक के समीप होता है? आंसर कमेंट करना है भाई, चुंबक के दक्षिणी ध्रुव जो होता है किस भौगोलिक भौगोलिक के समीप रहेगा? आंसर कमेंट करना है, दक्षिण का दक्षिण रहेगा क्या? नहीं हो सकता, पूर्व रह सकता, पश्चिम होगा या उत्तर होगा। चलिए कमेंट करिए, क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर? देखते हैं किसका पहले आता है क्वेश्चन का आंसर। चलिए कमेंट करेंगे और सभी लोग आंसर बताएंगे, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? ओके आशीष जी ऑप्शन बी बोल रहा है, एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? चलिए अपने अपने आंसर दीजिए। यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, रहेगा उत्तर की ओर रहेगा। कहाँ पर रहेगा? उत्तर की ओर रहेगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपके सामने। मूल एसआई मात्रक की संख्या कितनी होती है? मूल एसआई मात्रकों की संख्या कितनी रहती है? आंसर दीजिए, कमेंट करिए भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा, क्या रहेगा? मूल एसआई मात्रकों की संख्या क्या है? चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए भाई, क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 7। बिल्कुल सही, यानी आशीष जी बिल्कुल सही है,
बहुत बढ़िया, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये रहा आपके सामने, हरे प्लास्टिक कवर में तार किस प्रकार का होता है? आपको बताने, हरे प्लास्टिक कवर में तार किस प्रकार का होगा? आंसर दीजिए, लाइन तार होगा, उदासीन होगा, अर्ध तार होगा, या इसमें से कोई नहीं होगा। आपने सुना होगा न्यूट्रल तार, ठीक है, या फिर लाइन वाला तार, या फिर आपने सुना होगा अर्ध तार। तो किस प्रकार का तार होता है पील, जो हरे प्लास्टिक तार में होता है? चलिए कमेंट करिए भाई, रेड, हरा और काला यही हम यूज़ करते हैं। तो आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, अर्ध तार रहेगा। क्या अगर अर्ध तार बोलेंगे इसे? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन रहेगा यहाँ पर सी, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत ये क्या रहेगा? चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे भाई क्या रहेगा इस क्वेश्चन का। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, अभी आपने जब दूसरे तीसरा क्वेश्चन में पढ़ा रहा था तभी मैंने ये क्वेश्चन बताया था। आंसर दीजिए, कमेंट करिए भाई, वॉशिंग जो मशीन होती है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? यहाँ पर आएगा वो करेगी अपकेंद्र बल पर। किस पर? अपकेंद्र बल पर, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि और प्रकाश तरंगें दोनों किस प्रकार की होती हैं? ध्वनि और प्रकाश की तरंगें दोनों की दोनों किस प्रकार की रहती हैं? आंसर कमेंट करिए, क्या होगा क्वेश्चन आंसर? चलेंगे सभी लोग आंसर देंगे भाई, क्या रहेगा क्वेश्चन आंसर? कमेंट करिए और बताइए आंसर, कमेंट करिए और आंसर दीजिए। कमेंट करेंगे फ्रेंड्स, सभी लोग आंसर देंगे क्या रहेगा इस क्वेश्चन आंसर। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, परावर्तन के नियम का पालन करेंगी। दोनों कैसे क्या करेंगी? परावर्तन के नियम का पालन करेंगी, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण होता है? विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है? आंसर दीजिए, कमेंट करिए। चलेंगे सभी लोग बताएंगे भाई क्या रहेगा क्वेश्चन आंसर। चलिए कमेंट करिए, आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे भाई क्या रहेगा। थोड़ा स्लो इसलिए चल रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जो है आप जो है स्टूडेंट मुझे नज़र नहीं आ रहे, आज बहुत ही कम स्टूडेंट यहाँ पर दिख रहे हैं। आशीष जी ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, वेरी गुड। एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा भाई क्या रहने वाला है? यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत जो रहती है, विद्युत ऊर्जा से वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत से यांत्रिकी में उसको कन्वर्ट करता है ऊर्जा को। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, समतल दर्पण का फोकस दूरी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या अनंत होती है? आंसर कमेंट करिएगा किस प्रकार की होगी, आंसर दीजिएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे भाई क्या रहेगा इस क्वेश्चन आंसर। चलिए कमेंट करिए और आंसर दीजिए क्या रहेगा क्वेश्चन आंसर। फ्रेंड्स कमेंट करिए और आंसर दीजिएगा क्या रहने वाला इस क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनंत रहेगी। कैसी रहेगी? अनंत रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, डायनेमो परिवर्तन करता है? डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है? आंसर दीजिए, कमेंट करिए भाई क्या रहेगा इस क्वेश्चन आंसर। चलिए कमेंट करिए और आंसर दीजिएगा क्या रहेगा इस क्वेश्चन आंसर। चलेंगे सभी लोग आंसर देंगे भाई क्या रहेगा। ओके आशीष जी ऑप्शन वी, वेरी गुड। एनी वन कोई और बताएगा फ्रेंड्स क्या रहेगा? यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओवन जो होता है उसमें खाना बनाते हैं, ओवन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ओवन में किस किरणों का प्रयोग करते हैं? आंसर दीजिए, कमेंट करिए भाई क्या रहेगा, देखते हैं किस किसका आंसर आएगा। चलिए सभी लोग आंसर देंगे, कमेंट करिए भाई क्या रहेगा इस क्वेश्चन आंसर। सभी लोग आंसर देंगे क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए कमेंट करिए और आंसर दीजिएगा। ओके आशीष जी ऑप्शन वन, वेरी गुड। एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा भाई क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन आंसर? ऑप्शन आएगा सी, सूक्ष्म तरंगों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, एक्स किरणों का नहीं होगा, सूक्ष्म तरंग किरणों का या कहेंगे तरंगों का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहाँ पर ये रहा आपके सामने, डेसीबल किसकी इकाई है? डेसीबल इकाई है प्रकाश की चाल की, ध्वनि की तीव्रता की, ऊष्मा तीव्रता की, या इसमें से कोई नहीं? ओके आशीष जी आपने जी लिखा है, समझ में नहीं आया है, आप ऑप्शन ड्रॉप करिए, 22 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन बी आ रहा है आशीष जी, वेरी गुड। एनी वन कोई और आंसर कमेंट करेगा फ्रेंड्स? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने के बाद अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पे से शेयर जरूर करिएगा। आंसर एक ऑप्शन बी ये रहेगा, ध्वनि की तीव्रता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन परत कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है? वायुमंडल में ओजोन परत यानी कि O3 जो उनकी ऑक्सीजन का जो अपरूप रहता है वो वायुमंडल में कितनी ऊंचाई में पाया जाता है? आंसर कमेंट करिए क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन आंसर। ठीक है, देखते हैं किसका आंसर आएगा सबसे पहले। चलिए आंसर दीजिएगा, कमेंट करिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स तो बहुत कम है भाई, आज डेली 1:30 बजे जो होती है वीडियो आती है हमारी, स्टूडेंट्स बहुत कम है आज। फ्रेंड जितने भी स्टूडेंट आते हैं यार उनसे भाई से बोलूँगा भाई पूरी वीडियो अटेंड करिए, ठीक है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 50 किलोमीटर की दूरी पर होती है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, कैमरे के पीछे पर प्रतिबिंब बनने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे? चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए। कैमरे में जो फिल्म बनती है, फिल्म जो उस पर प्रतिबिंब आता है उस पर हम बिल्कुल बिल्कुल गुड आफ्टरनून आशीष जी, बिल्कुल सही अभिषेक जी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए, कमेंट करिए। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होंगे लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए आशीष जी। ऑप्शन ए वेरी गुड। एनी वन, कोई और आंसर कमेंट करेगा भाई, क्या रहेगा इस क्वेश्चन आंसर? यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल रहेगा ऑप्शन ए रहेगा आशीष जी, बिल्कुल सही, उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 25, न्यूटन का प्रयोग किस चीज़ को मापने में किया था? चलिए आंसर दीजिए, न्यूटन का प्रयोग किस चीज़ को मापने में किया था, चाल, बल, आयतन या क्षेत्रफल? चलिए सभी लोग आंसर देंगे, कमेंट करेंगे भाई, क्या रहेगा, न्यूटन किसकी इकाई है? चलिए कमेंट करिए और आंसर दीजिए। ओके आशीष जी, ऑप्शन बी वेरी गुड। आशीष जी थोड़ा आंसर ध्यान से देखकर करिए। अभिषेक जी आंसर कमेंट करिए, क्या रहेगा? ओके क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा, बल। बिल्कुल अभिषेक जी, बिल्कुल सही है, बल रहेगा। न्यूटन जो रहता है इसको एन से डिनोट करते हैं। बल के लिए ज्ञात ज्ञात एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी कि ऐसा ही मात्रक है। यह नाम सर किसने दिया? सर इसाक न्यूटन के क्लासिकल मैकेनिक्स में उनके कार्य को देखकर विशेष रूप से न्यूटन की गति के दूसरे नियम के लिए दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, एक्स किरणें किस प्रकार की होती हैं? एक्स किरणें किस प्रकार की होती हैं, आंसर दीजिएगा, कमेंट करिए भाई, क्या रहेगा क्वेश्चन आंसर? चलिए सभी लोग आंसर देंगे, कमेंट करेंगे, क्या होने वाला क्वेश्चन आंसर? चलेंगे फ्रेंड्स, आंसर देंगे, कमेंट करेंगे और आंसर बताइए क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुम्बकीय। विद्युत चुम्बकीय रहेगा ऑप्शन, रहेगा यहाँ पर सी। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है हमारे पास, पूछ रहा है आपसे, चमगादड़ों द्वारा अपने मार्ग खोजने का या आहार ढूंढने के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीकी क्या है? चलिए बताइएगा फ्रेंड्स, क्या रहेगा क्वेश्चन आंसर? देखने कौन कौन आंसर कमेंट कर रहा है, चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए। अभिषेक जी, आशीष जी आंसर कमेंट करिएगा। और फ्रेंड्स जितने भी स्टूडेंट आते आ रहे हैं उन सभी से बोलूँगा वीडियो पूरा अटेंड करिए। 1:25 पर हमने वीडियो स्टार्ट कर दी थी, हमारा टाइम था 1:30 का, लेकिन ओके शशिकांत जी ऑप्शन ए वेरी गुड। ओके अभिषेक जी ऑप्शन सी बोल रहे हैं। ओके यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। ये इको या प्रतिध्वनि से जो रहता है अपना जो खाना या फिर अपना जो है आहार ढूंढते हैं या मार्ग ढूंढते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, रेडियन प्रति सेकंड, क्या बोलेंगे? रेडियन प्रति सेकंड किसकी इकाई है? रेडियन प्रति सेकंड किसकी इकाई, आंसर दीजिए, कमेंट करिए भाई, क्या रहेगा? ये रहेगी ऑप्शन डी, कोणीय वेग की। कोणीय वेग की जो रेडियन प्रति सेकंड इकाई रहती है इसकी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, किस नियम के अनुसार किसी पिंड द्वारा ऊष्मा हानि की दर वस्तु और उसके आसपास के परावर्तन के समानुपाती होता है? चलिए आंसर दीजिए, ये कौन सा नियम है, बताइएगा, आंसर कमेंट करिएगा, क्या रहेगा? देखते किस किस का आंसर आएगा, कमेंट करिएगा फ्रेंड्स, क्या होने वाला है इस क्वेश्चन आंसर? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे भाई, क्या रहेगा क्वेश्चन आंसर? चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए, क्या होगा क्वेश्चन आंसर? आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन का शीतलन नियम। ऑप्शन रहेगा बी, न्यूटन का शीतलन नियम लगेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? चलेंगे आंसर देंगे, कमेंट करेंगे भाई, क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन आंसर? फ्रेंड वीडियो को थोड़ा शेयर करिएगा और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। चलिए आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 30, आंसर दीजिए, कमेंट करिए भाई, क्या होगा क्वेश्चन आंसर? ओके आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आयाम। किस पर निर्भर करेगी? आयाम पर। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन है आपके पास, समय का ऐसा ही मात्रक क्या? बहुत सिंपल क्वेश्चन फ्रेंड, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इसको ही कई स्टूडेंट जो हैं गलत भी करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने 2 बार ये क्वेश्चन पूछा है, जब स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कम से कम 30 थी 40 40 थी, तो फ्रेंड उस टाइम क्या था, स्टूडेंट जो था यहाँ पर गलत भी आंसर करा, लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। चलेंगे सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, क्या होने वाला क्वेश्चन आंसर? ओके सचिराज जी ऑप्शन ए आ गया है, अभिषेक जी ऑप्शन ए, आशीष जी ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है। किसका आएगा? सेकंड आएगा, ऑप्शन आएगा ए, सेकंड, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके पास, पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक क्या है? पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक क्या है? चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए, क्या होगा क्वेश्चन आंसर? चलिए सभी लोग बताएंगे भाई, क्या रहेगा क्वेश्चन आंसर? आंसर दीजिए, कमेंट करिए, क्या होगा क्वेश्चन आंसर? ओके ललित जी, ओके ललिता जी ऑप्शन बी वेरी गुड। एनी वन, कोई और आंसर कमेंट करेगा
यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा न्यूटन पर मीटर। क्या आएगा भाई? ऑप्शन आएगा सी न्यूटन पर मीटर, जो रहता है पृष्ठ नाप का एसआई मात्रक रहता है। चलेंगे अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। किसी खिलाड़ी द्वारा लंबे छलांग लगाना किस चीज़ का उदाहरण है? अगर कोई व्यक्ति लंबी छलांग लगा रहा है तो वो किस चीज़ का उदाहरण है? आंसर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। ये जो कल क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट नहीं करा पाए थे, वो क्वेश्चन है कि वीडियो जो था थोड़ी हैंग हो रही थी, यानी कि सिस्टम जो था थोड़ा सही नहीं चल रहा था। आशीष जी ऑप्शन डी वेरी गुड। एनी वन कोई और आंसर कमेंट करेगा भाई, क्या होना चाहिए क्वेश्चन आंसर? क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए प्रक्षेपी गति। क्या होगा? प्रक्षेपी गति। ऑप्शन डी नहीं रहेगा भाई, क्षैतिज गति नहीं रहेगा, प्रक्षेपी गति बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? प्रक्षेपी गति। नीचे जो है सारी चीज़ें लिखी हुई, उसको पढ़ सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है कोणीय वेग किसके परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है? कोणीय वेग किसके परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है? आंसर दीजिए, कमेंट करिए। ललिता जी, अभिषेक जी, आप ओके, आशीष जी आंसर दीजिएगा, कमेंट करिए। शशिकांत जी आंसर दीजिए, कमेंट करिए भाई, क्या होने वाला क्वेश्चन का आंसर? यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, कोणीय विस्थापन। क्या रहेगा? कोणीय विस्थापन। क्या रहेगा भाई? कोणीय विस्थापन रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपके सामने है अभिषेक जी, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन है रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, स्पेक्ट्री परावैंगनी किरणें, एक्स किरणें और गामा किरणें को वर्गीकृत किया गया है, किसमें वर्गीकृत करा गया? आंसर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, क्या रहेगा इन इन किरणों को क्या बोलेंगे? चलिए आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, आंसर दीजिए, कमेंट करिए भाई। आंसर एक ऑप्शन नंबर विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या बोलेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंग। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ओके, बी ऑप्शन अभिषेक जी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है रॉकेट जो है किस नियम के संरक्षण नियम पर कार्य करता है? चलिए बताइएगा, आंसर दीजिए, बिल्कुल ललिता जी बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन? 36 नंबर है, आंसर दीजिएगा, कमेंट करेंगे, सभी लोग आंसर बताएंगे। ओके, आशीष जी ऑप्शन बी आ रहा है, वेरी गुड। एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा? ललिता जी ऑप्शन बी आ रहा है, यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करेगा रॉकेट, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके पास, वायु में ध्वनि तरंगें होती हैं, वायु में ध्वनि तरंगें किस प्रकार की होती हैं? आंसर दीजिएगा, कमेंट करिए, क्या रहने वाला क्वेश्चन का आंसर? पिछले क्वेश्चन का आंसर सभी का सही है, चलिए इस क्वेश्चन को बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, मात्र देखिए 5 स्टूडेंट देख रहे हैं, लेकिन 5 स्टूडेंट के भी आंसर नहीं आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स लगभग सभी लोग जो स्टूडेंट्स आंसर कमेंट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ललिता जी ऑप्शन ए, आशीष जी ऑप्शन बी, अभिषेक जी ऑप्शन ए, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आएगा? आशीष जी बिल्कुल सही है, अनुदैर्ध्य तरंगें। कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं, बिल्कुल सही है। स्क्रीन नीचे के नीचे जो लिखा है आपको, उसके उत्तर के नीचे वो पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा है, पढ़ सकते हैं। चलेंगे अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अदिश राशि है? अदिश मतलब जिसका परिणाम है, दिशा नहीं है, अदिश राशि कौन सी है? चलेंगे सभी लोग आंसर बताएंगे भाई, क्या रहेगा अदिश राशि? आंसर दीजिए, कमेंट करिए, क्या होने वाला है क्वेश्चन था? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दाब। दाब कैसी रहेगी? अदिश राशि रहेगी, इसमें परिणाम है ना कि इसमें दिशा नहीं है। ऑप्शन रहेगा भाई बी, वेग में तो भाई है, दिशा है, क्यों नहीं है, इसमें दिशा भी है, इसका परिणाम भी है, बल में भी बिल्कुल दिशा भी है, परिणाम भी है, त्वरण में भी है, लेकिन यहाँ पर दाब में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ें, 20 हर्ट्ज़ से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहा जाता है? ओके ललिता जी बिल्कुल सही, आपको ये बताना है 20 हर्ट्ज़ से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? बिल्कुल प्रकाश जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून सभी के लिए भाई, सभी के लिए गुड आफ्टरनून। फ्रेंड्स अगर आप पहली बार हमारे ऑनलाइन फ्री स्टडी के ये वीडियोस देख रहे हैं, तो आप सभी से मैं बोलूँगा, फ्रेंड्स देखिए हमारा टाइम रहता है 1:30 बजे की वीडियो आती है, पहले से पहले 10 बजे वीडियो आती है, उसके बाद 1:30 बजे, उसके बाद 5:30 बजे वीडियो आएगी, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए आंसर दीजिए आशीष जी, ऑप्शन आ रहा है ए वेरी गुड। यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा, क्या आएगा भाई? बी आएगा अश्रव्य ध्वनि, ठीक है, अश्रव्य ध्वनि आएगा, ऑप्शन सी आएगा भैया, ऑप्शन सी बोलेंगे, इंफ्रासोनिक। क्या बोलेंगे इसको? इंफ्रासोनिक बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे इंफ्रासोनिक, ऑप्शन बी बिल्कुल सही प्रकाश जी। चलिए अगला क्वेश्चन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या पाया जाता है? आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या होता है? आंसर दीजिए, कमेंट करिए, ललिता जी बिल्कुल सही है। चलिए इस क्वेश्चन को बताइएगा, क्या होने वाला क्वेश्चन? फ्रेंड्स जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक मुझे दिख रहे हैं, उन सभी से मैं बोलूँगा भाई पूरी वीडियो अटेंड करिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम, इसके बाद 5:30 बजे वीडियो आएगी, वो फुल वीडियो रहेगी 1 घंटे से 1.5 घंटे की। ओके ऑप्शन आ रहा है अभिषेक जी ए, यहाँ पर आएगा ए बिल्कुल सही है, क्या रहेगा ए? बिल्कुल अभिषेक जी बहुत बढ़िया, कैसी रहती है? फिक्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे कमजोर बल है? कौन सा जो है कमजोर बल है? आंसर दीजिए, कमेंट करिए भाई, क्या रहने वाला क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है, चलिए आंसर दीजिएगा, जनरल साइंस के क्वेश्चन आपके पास, चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए, क्या रहेगा?
निम्न में से कौन सबसे कमजोर बल है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, अगर आप इसको पता होगा, आपको इसकी यूनिट भी पता होगी या इसको पता होगा तो आप बता पाएंगे। ऑप्शन है प्रकाश जी, ऑप्शन वन, वेरी गुड। ललिता जी आप एक बार थोड़ा दोबारा से जो है क्वेश्चन को आप देखिए, आंसर दीजिए। यहाँ पर प्रकाश जी बिल्कुल सही है, गुरुत्वाकर्षण बल 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही ऑप्शन, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपके सामने क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है? बुच रिया क्या है? बुच रिया है क्या? चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए भाई, बुच रिया एक्चुअल में क्या है? कमेंट करिए और आंसर दीजिए, क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कमेंट करिएगा भाई। चलिए आंसर दीजिए और कमेंट करिए, क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर? बहुत सिंपल क्वेश्चन ये रहेगा, ऑप्शन नंबर वन फिलेरिया, फिलेरिया कृमि, क्या रहेगा? फिलेरिया कृमि रहता है, ऑप्शन वन। लेता जी बिल्कुल सही है, फाइलेरिया कृमि होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखिए आपसे पूछा गया कुनैन, क्या पूछा है? ऑप्शन प्रकाश जी बिल्कुल सही है और शशि जी बिल्कुल सही। कुनैन जो कि मलेरिया के इलाज में प्रयोग किया जाता है, मतलब कुनैन एक पेड़ है, पेड़ मतलब पेड़ होता है कुनैन का, पादप के किस भाग में आती है? चलिए बताइएगा क्या रहेगा क्वेश्चन आंसर, कुनैन जो होता है कहाँ से निकाली जाती है? आंसर दीजिए, कमेंट करिए। ओके ऑप्शन आ रहा है सी ऑप्शन, बिल्कुल छाल आ रहा है ललिता जी, ऑप्शन छाल आ रहा है, बिल्कुल सही रहेगा। छाल होती है कुनैन, क्या होती है? पेड़ की छाल रहती है। प्रकाश जी बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई? आंसर दीजिए, कमेंट करिए। देखते हैं जनरल जी के क्वेश्चन कौन कौन कमेंट कर गए करेगा। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए भाई, क्या रहने वाला क्वेश्चन का आंसर? सभी लोग आंसर देंगे, कमेंट करेंगे, क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर? आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आंध्र प्रदेश। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, एमपी नहीं रहेगा भाई, ललिता जी एमपी नहीं रहेगा और मध्य प्रदेश नहीं है, आंध्र प्रदेश से जो है भूदान आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ओके ए पी, ओके चलिए अगला, बिल्कुल शशिकांत जी अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही क्रम से आपको लगाने हैं, तो ये कि आपको ये क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन जो है मिलने मिल जाते हैं इस प्रकार क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसका क्वेश्चन का आंसर है। पहले का पहले आएगा यहाँ पर बिंबिसार, फिर आएगा यहाँ पर उदयीन, फिर आएगा यहाँ पर बिंदुसार और फिर उसके बाद आएगा अशोक। ठीक है, ये इनका ऑर्डर है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे केप कॉपरी कॉमोरियन के नाम से जाना था? आपसे बताना आपको किसको केप कॉमोरियन कहा जाता है? आंसर दीजिए, कमेंट करिए भाई, क्या रहेगा इस क्वेश्चन, सभी लोग आंसर देंगे और कमेंट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स आंसर दीजिए और कमेंट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है और आंसर देना है आपको। ओके और फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और शेयर करिएगा इस वीडियो, क्या करना भाई? लाइक करिए और शेयर करना, ठीक। ओके आशीष जी ऑप्शन ए आ रहा है यहाँ पर, लेकिन आएगा ऑप्शन नंबर सी आशीष। ओके अभिषेक जी ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन सही सी सही बिल्कुल सही रहेगा आशीष। ओके शशिकांत जी ऑप्शन यहाँ पर थर्ड है, कन्याकुमारी को केप कॉमोरियन बोला जाता है। ठीक है भाई, ऑप्शन टू रहेगा ललिता जी। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार है? सबसे ज़्यादा जो है कोयला भंडार कहाँ पर है, ये सभी को कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए देखते हैं किसका आंसर आएगा, कमेंट करिएगा। ओके यहाँ पर आंसर आ रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, यहाँ पर ललिता जी बिल्कुल ऑप्शन थर्ड आ रहा है। एनीवन कोई और आंसर कमेंट करेगा भाई, क्या होना चाहिए? ललिता जी थोड़ा सा आंसर कुछ और कुछ सोच कर करिए आंसर दीजिएगा। और फ्रेंड सभी से मैं बोलूँगा थोड़ा सा आराम से क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्योंकि हम भी आराम से चल रहे हैं, मैं भी बहुत आराम से बता रहा हूँ आपको। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आ रहा है, बिल्कुल सही है झारखंड, बिल्कुल सही प्रकाश जी, अभिषेक जी बिल्कुल सही, ललिता जी बिल्कुल सही, झारखंड रहेगा। अब मैं बता दूँ झारखंड में सबसे ज़्यादा जो कोयला पाया था, उसके बाद उड़ीसा में, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये ऑर्डर है। ठीक है, पहले सबसे ज़्यादा कहाँ पर झारखंड, सबसे कम कहाँ पर? पश्चिम बंगाल। चलेंगे इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, 1 ग्राम वजन में कितने डायन पाए जाते हैं? आंसर कमेंट करिए, क्या रहेगा क्वेश्चन आंसर? देखते हैं कौन कौन आंसर कमेंट करेगा, क्या होने वाला है क्वेश्चन आंसर? ठीक है, ललिता जी ऑप्शन फोर आ गया है। ओके एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा, क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन आंसर? चलिए सभी लोग आंसर देंगे, कमेंट करेंगे, क्या रहेगा इस क्वेश्चन? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर फोर, 981, क्या रहेगा? 981 डायन होते हैं 1 ग्राम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, घनत्व का फॉर्मूला पूछा गया, क्या पूछा गया? डेंसिटी का फॉर्मूला बताइए क्या होगा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए भाई, क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर? डेंसिटी का फॉर्मूला बताइए, क्या होने वाला है क्वेश्चन का आंसर? और 5:30 बजे वाली भी वीडियो भी आप आएंगे और फ्रेंड्स की बात होगी 9 बजे वीडियो, 5:30 के बाद जस्ट 9 बजे वीडियो की, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगी फ्रेंड्स। यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर टू, यानी कि देखिए यहाँ पर घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी नहीं है भाई, ऑप्शन नंबर बी है भाई, बी ऑप्शन बी है, किसी ने बी नहीं किया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ओके वैश्वीकरण विकिरण का अर्थ क्या होता है?
चलिए आता ही का क्या रहता है क्वेश्चन का आंसर, ग्लोबल रेडिएशन क्या होगा, ग्लोबल रेडिएशन एक्चुअल में होता क्या है, चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए, आपको चार ऑप्शन पढ़ने हैं और आंसर देने। ग्लोबल रेडिएशन क्या होता है फ्रेंड, इससे सुबह सुबह मैंने वीडियो डाली थी 8 बजे, इंडेक्स की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें इंडिया की रैंकिंग मैंने बताई है 2018 2019 की, कुछ 2017 की भी हैं जो कि 2 साल में जो होता है रिपीट होते हैं, तो 2019 का जब भी आएगा वो आपको प्रोवाइड जो करवा दूंगा उसका, लेकिन अभी आपको फिलहाल में जिस क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट करना भाई क्या रहेगा, चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, रहेगा ऑप्शन नंबर 4 क्या रहेगा, ये जो रहता है कुल सौर विकिरण की भूमि का क्षैतिज सतह पहुंचाना, बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा डी। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया था, विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस उपकरण का आप उपयोग करेंगे, कमेंट करिए और आंसर दीजिए क्या रहेगा, देखते हैं किसका आंसर आएगा कमेंट करके। ओके प्रकाश जी, ऑप्शन 4 आ रहा है, वेरी गुड, एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, अल्टीमीटर, क्या होगा भाई अल्टीमीटर, अभिषेक जी बहुत बढ़िया, चलिए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपके सामने, वायुमंडल में अधिकतम जल वाष्प का प्रतिशत क्या होता है, वायुमंडल में मैक्सिमम जल जो होता है, मैक्सिमम जल वाष्प का यानी वाटर वेपर का जो प्रेजेंस कितनी रहती है, आंसर देना है कमेंट करना भाई, चलिए आंसर दीजिए कमेंट करिए, फ्रेंड वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करके शेयर करिएगा इसको, ठीक है, चलिए आंसर दीजिए कमेंट करिए भाई क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर, और क्वेश्चन के लेवल्स कैसे लग रहे हैं आपको मुझे बताते रहिएगा, प्रकाश जी ऑप्शन ए, अभिषेक जी ऑप्शन 2 यहाँ पर आएगा, ऑप्शन नंबर 2 आएगा, 3 से 4% कितनी रहती है वाटर वेपर, एटमोसफेयर में वाटर वेपर आती है 3 से 4%, ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, समुद्र का जल बारिश के पानी की तुलना में नमकीन क्यों होता है, अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, चलिए दीजिएगा कमेंट करिएगा क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट करिए, विकास जी ऑप्शन बी आ रहा है, वेरी गुड, एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्क्रीन पर, चलिए आंसर दीजिए कमेंट करिए क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन आंसर, चलिए कमेंट करिए भाई आंसर, एक ऑप्शन नंबर 3 क्या होता है, नदी जो होती है, नदी जो धरती की जो लवणता होती है उसको बहा के ले जाती हैं, कहाँ ले जाकर डाल देती हैं, समुद्र में ले जाकर डाल देती हैं, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, अंगूर में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया था, आप लोग बोलेंगे सिट्रिकम लेकिन गलत है सिट्रिकम, एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा भाई, जो अंगूर रहते हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, प्रकाश जी ऑप्शन सी बोल रहे हैं लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया सिट्रिक अम्ल नहीं है, अभी से पहले ही मैंने बोल दिया सिट्रिक अम्ल नहीं है, अंगूर की बात हो रही है नींबू की बात नहीं हो रही है भाई, प्रकाश जी ऑप्शन ये बोल रहे हैं, वेरी गुड, एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, यहाँ पर एक ऑप्शन नंबर डी टार्ट्रिक अम्ल जो रहता है उसमें पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है क्या पाया था टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, देखिए अब मैं आपको बता दूँ अंगूर में क्या पाया था टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, एसिड जो रहता है एसिडिक एसिड जो होता है वो विनेगर में होता है, ठीक है किसमें विनेगर में, और सेट्रिक एसिड होता है वो लेमन और संतरा में होता है, टार्ट्रिक अम्ल की बात करें तो ये किस किस में अंगूर केला और इमली में पाया जाता है, ठीक है चलेंगे अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, बिल्कुल डी शशिकांत जी बिल्कुल सही था, अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु पर किया गया कार्य पर नहीं करता, मतलब किस पर निर्भर नहीं करता, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता, आंसर दीजिए कमेंट करिए भाई क्या रहने वाला क्वेश्चन आंसर, सभी लोग आंसर बताएंगे क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 4 आएगा, एक वस्तु की प्रारंभिक पर ये निर्भर नहीं करेगा, ठीक है प्रारंभिक पर निर्भर नहीं करेगा, ऑप्शन रहेगा डी भाई डी रहेगा डी, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ओके प्रकाश की लहर सिद्धांत, एक सिद्धांत है प्रकाश की लहर सिद्धांत का प्रस्ताव किसने किया, लहर सिद्धांत का वेव थ्योरी जो है वो किसने दी, आंसर कमेंट करिएगा क्या होने वाला क्वेश्चन आंसर, चलिए आंसर दीजिए कमेंट करिए भाई क्या होगा क्वेश्चन आंसर, सभी लोग कमेंट करेंगे और आंसर देंगे कभी करिए, चलिए लिस्ट करिए कमेंट भाई क्या रहेगा, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ह्यूगेंस, ह्यूगेंस यहाँ पर रहेगा बिल्कुल सही ऑप्शन ए अभिषेक जी बिल्कुल सही, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पेट्रोल का एक प्रमुख घटक है, पेट्रोल का एक प्रमुख घटक कौन सा, आंसर दीजिए कमेंट करिए भाई क्या रहने वाला क्वेश्चन आंसर, अभिषेक ऑप्शन 2 वेरी गुड, एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा, प्रकाश जी ऑप्शन बी आ रहा है, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल रहेगा, ऑक्टेन रहेगा क्या रहेगा प्रमुख घटक, ऑक्टेन है C8H18। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, सूरज की सतह का तापमान लगभग कितना है, अब आपको मैं बता दूं आपको सतह की वो बात कर रही है, सतह की बात कर रहा है लेकिन मैं आपको ये बोलूं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा है, ये सूरज है ऐसे मान लीजिए सूरज है और सूरज की ओर चारों ओर ये वातावरण है, इस प्रकार का वातावरण है, ठीक है और ये वातावरण बहुत चमक रहा है, क्यों चमक रहा है क्योंकि इसे बोलते हैं कोरोना, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं कोरोना, कोरोना बोलते हैं, ठीक है अब ये कोरोना का जो टेम्परेचर रहता है वो आपको बताना है, मैं आपको इसका करोड़ का बताता हूँ, 20 लाख डिग्री सेल्सियस क्या रहता है करोड़ का रहता है 20 लाख डिग्री सेल्सियस,
अब आपको इसके वातावरण की बात करें तो इसका पूरण या फिर वातावरण का जो है आपको आंसर बताना है कितना डिग्री सेल्सियस है। तो भाई अभी तक किसी का सही नहीं आया है, आंसर रहेगा 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना रहेगा? 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। 18वें जकार्ता एशियन खेल 2018 में किस भारतीय खिलाड़ी ने भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता? चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए। एशियन गेम हम कंप्लीट करेंगे जो है रात वाली वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, 5:30 वाली वीडियो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको मैंने आधे घंटे के लिए ही बनाई है मात्र। तो फ्रेंड आप सभी से मैं बोलूँगा भाई ये जो क्वेश्चन है आपको कैसे लगे, अगर अच्छे लगे तो फ्रेंड्स जो आपको 1:30 बजे वाली वीडियो आएगी बहुत जरूर अटेंड करिएगा, सॉरी 5:30 बजे वाली वीडियो आएगी उसको अटेंड करिएगा, उसके बाद वीडियो आएगी आपको 9 बजे, बहुत सभी लोग आंसर ओके मेरा ओके बिल्कुल सही अशीष जी, ओके बिल्कुल सही शशि जी, बिल्कुल सही। चलिए और फ्रेंड्स आप सभी से मैं बोलूँगा भाई अगर वीडियो अच्छी लग रही तो आपको ये बोलूँगा, अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो एक आप कुछ मत करिए, आपको टाइमिंग मैंने बता दिया, टाइमिंग से अगर आप आएंगे 5:30 बजे वाली वीडियो आइए, कोई दिक्कत नहीं। आपको वीडियो अच्छी लगती है देन आप लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल अगर पसंद आया आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन में समझ में आया तो आपको अगर लाइक करना है बिल्कुल लाइक करिए, उसके बाद शेयर करिएगा इसको वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपके एग्जाम के लिए बहुत आपके एग्जाम के लिए आपको थोड़ा सा जो है अच्छे से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है अब जो है 1 महीना हमारे पास रह गया, मे भी हो सकता है कि 1 महीने ज़्यादा मिल जाए, लेकिन आपको जो है 1 महीना ही कैलकुलेट करना है, उसके बाद जो है स्पीड पकड़नी है हमें, अभी जितने भी हमने जो पढ़ा है या नहीं पढ़ा है अभी तक, नहीं भी पढ़ा है किसी ने फ्रेंड्स तो मैं बोल दूँ आपसे कि भाई अगर नहीं पढ़ा है तो अब बस आप पढ़िए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैक्सिमम मैं बोल सकता हूँ आपके पास 1 महीना होगा। ठीक है, कि बफरिंग होता है, ओके प्रकाश झा जी अब बफरिंग नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कल से जो है आपका इसका जो है सोल्यूशन हम ढूंढ लेंगे, कल जो है इसका जो कनेक्शन न्यू लगवा रहे हैं, ठीक है नया कनेक्शन आ जाएगा कल से, तो आपको ये बफरिंग नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल का आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट फॉर आपके एग्जाम के लिए और सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।